नमस्कार, मैं आपके साथ सुमन मान न्यूज 21 पे। स्वागत है आपका हमारे एपिसोड अनटोल्ड स्टोरीज में। आज हम आपको बताने जा रहे हैं एक ऐसी दुनिया की कहानी जिसके बारे में आपने शायद सुना तो जरूर होगा मगर देखा नहीं होगा। सीक्रेट सोसाइटी और खुफिया संगठन की जब हम बात करते हैं तो एक छवि हमारे दिमाग में आती है। हाथों में कैंडल्स लिए हुए कुछ लोग अंधेरी रात में जंगल के बीचों बीच मंत्रोच्चारण करते हुए कुछ लोग देखकर दिमाग के अंदर कुछ अलग ही आता है कि आखिर ये हो क्या रहा है। सीक्रेट सोसाइटी और कॉन्स्पिरेसी थ्योरी की अगर हम बात करते हैं और अगर हम इंटरनेट पे सर्च करते हैं तो दुनिया का सबसे खतरनाक संगठन जो सामने आता है उसे इल्यूमिनाटी के नाम से जाना जाता है। इस थ्योरी के अनुसार अमेरिकी राष्ट्रपति JF Kennedy की हत्या से लेकर देशों के बीच में जो युद्ध हुए हैं और सरकारें गिराने तक का काम जो है वो ये संगठन करता है। ये संगठन इतना शक्तिशाली है। इस कॉन्स्पिरेसी थ्योरी में कितनी सच्चाई है ये तो आप अपने विवेक से तय कीजिए, लेकिन अगर इतिहास की माने तो ये संगठन है जरूर। क्या था ये संगठन, क्या थे इसके सीक्रेट नियम और ये काम कैसे करते थे, आज के एपिसोड में हम इसी पर बात करेंगे। सबसे मशहूर और खतरनाक सोसाइटी इल्यूमिनाटी की स्थापना 1748 में की गई थी, जो अपनी एक स्वतंत्र विचारधारा के साथ इस दुनिया में जीना चाहते थे। माना जाता है कि स्वामी विवेकानंद भी इस सोसाइटी से जुड़े हुए थे। इल्यूमिनाटी के बारे में कुछ ऐसी बातें आज हम आपको बताने जा रहे हैं जो इंटरनेट पर भी उपलब्ध नहीं है। इल्यूमिनाटी का जन्म जर्मनी में हुआ था। जर्मनी में एक प्रोफेसर थे जो अपनी जिंदगी अपने तरीके से जीना चाहते थे। प्रोफेसर चर्च के नियमों से बहुत ज्यादा परेशान थे, जैसे कि सुसाइड नहीं कर सकते, अबॉर्शन नहीं करवा सकते, आप भगवान के खिलाफ बात नहीं कर सकते। ऐसे ही कुछ नियम थे जिनसे प्रोफेसर बहुत ज्यादा परेशान थे। ऐसा माना जाता है कि इस विचारधारा को लेकर प्रोफेसर ने अपने ही कॉलेज के कुछ लोगों को लेकर एक मीटिंग रखी और एक ग्रुप बनाया। 1 मई 1776 को प्रोफेसर वाइस और उनके कुछ छात्रों ने रात को प्रतिज्ञा ली कि वो इस संगठन को खुफिया रखेंगे और अपनी पहचान जाहिर नहीं करेंगे और इस संगठन को उन्होंने नाम दिया इल्यूमिनाटी। इसमें जो पिरामिड है वो इल्यूमिनाटी के स्ट्रक्चर को दर्शाता है। इल्यूमिनाटी की जब हम बात कर रहे हैं तो आपको ये बता दें कि इल्यूमिनाटी का जन्म अभी से नहीं हुआ है, इसका जिक्र बाइबल के अंदर भी है। इसे सैटर्न बाइबल कहा जाता है। इसके बारे में पढ़ने को सैटर्न बाइबल के अंदर ही मिलता है, जो कि एक शैतानी बाइबल के नाम से भी जानी जाती है। ये बाइबल अलग से है। इसमें लिखा गया है कि लूसीफर जो है गॉड की सबसे ब्यूटीफुल क्रिएशन थी, उसके अंडर में डेमोन्स थे जो कि उनकी सेना हुआ करती थी। लूसीफर इकलौता था जो कि गॉड को टक्कर दे सकता था। लूसीफर ने ईडन गार्डन जैसी ब्यूटीफुल जगह बनाई और इंसान बनाए। जैसा कि हम सब ने बचपन में एक कहानी जरूर सुनी है, ईव और एडम की कहानी। ईव और एडम जो थे उस गार्डन के अंदर मौजूद थे और उनको एप्पल खाने से मना किया था, लेकिन लूसीफर का दिमाग शैतानी दिमाग था, उसने ईव और एडम को वो एप्पल खाने पर मजबूर कर दिया। इसके लिए वो सांप बनकर उनके पीछे पड़ गया। जब गॉड को ये बात पता चली तो उनको बहुत गुस्सा आया। गॉड ने ईव और एडम के साथ लूसीफर को भी नीचे फेंक दिया। लूसीफर को इतनी तेजी से नीचे फेंका कि वो सीधे पाताल में चला गया। अब लूसीफर ने बदला लेने के लिए अपनी सेना बनाना शुरू की। वो गॉड से युद्ध करना चाहते थे। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि इल्यूमिनाटी की जो दुनिया है उससे सेलिब्रिटीज और अमीर लोगों का भी लिंक है। किन लोगों का लिंक है बताते हैं। दुनिया की सबसे अमीर फैमिली जो कि रोथचाइल्ड के नाम से जानी जाती है, उसका कनेक्शन इल्यूमिनाटी से माना जाता है। ये फैमिली दुनिया की सबसे अमीर फैमिली है। इसकी नेटवर्थ की अगर हम बात करते हैं तो इसकी नेटवर्थ जो है 3 ट्रिलियन है, जो कि वर्ल्ड बैंक तक को लोन देते हैं। ऐसा कहा जाता है कि अमेरिका और रूस के जो प्रेसिडेंट हैं वो पहले इनके घर पर जाकर शपथ लेते हैं, उसके बाद प्रेसिडेंट हाउस में शपथ लेते हैं। अब बात करते हैं सेलिब्रिटीज के कनेक्शन। अगर सेलिब्रिटीज का हम नाम लेते हैं तो बियॉन्से जो है
वो ओपनली इसको स्टेज के ऊपर प्रमोट करती है। एक बार तो स्टेज पर परफॉर्म करते हुए ऑडियंस ने नोटिस किया कि उनके फेस के ऊपर डेमोन का फेस दिखाई दे रहा। उनकी रील काफी वायरल हुई थी सोशल मीडिया के ऊपर। इसके अलावा सिमोन जो कि अमेरिका गोट टैलेंट को जज करते थे, वो काफी टाइम के लिए दुनिया से गायब हो गए थे। उसके बाद में उनकी फोटो सोशल मीडिया पे काफी वायरल हुई थी, जिनमें उनकी गर्दन के पास से कुछ निकलता हुआ लोगों को दिखाई दिया था। तो लोगों का कहना था कि ये सोमेन नहीं है, ये उनका क्लोन है। ऐसा माना जाता है कि जो भी इंसान इस दुनिया के अंदर एंटर करता है उसकी सोल एक्सचेंज हो जाती है। वो इंसान ही नहीं रहता है। जो भी सेलिब्रिटी इस दुनिया को ज्वाइन करते हैं वो इस दुनिया से कुछ समय के लिए गायब हो जाते हैं, उनका डीएनए ले लिया जाता है। हालांकि ऐसी कोई टेक्नोलॉजी अभी तक दुनिया के अंदर है नहीं। अगर हम इंडिया की बात करें तो कुछ टाइम पहले दिलजीत दोसांझ अपने स्टेज शो में इल्यूमिनाटी का साइन लेकर स्टेज पे परफॉर्म करते हुए दिखाई दिए थे, जिसको लेकर वो काफी विवादों के अंदर आ गए थे। दिलजीत ही नहीं, विदेशों में भी काफी सेलिब्रिटीज का नाम इससे जुड़ा है। इल्यूमिनाटी का एक सबसे बड़ा साइन जो है वो ये माना जाता है कि अगर आप बहुत फेमस हैं और आपका सोशल मीडिया जो है वो बहुत बड़ा है, काफी लोग उसके अंदर ऐड हैं, जैसे कि सेलिब्रिटीज को एक लालच दिया जाता है कि उनको वर्थ और मनी काफी हद तक उपलब्ध कराई जाएगी, तो ऐसे में जब उनको जो एक साइन मिलता है वो ये है कि उनके घर पे 3 दिन पहले उनको अपने घर के बाहर एक उल्लू दिखाई देने लगता है। अब इसमें कितनी सच्चाई है ये तो आप अपने दिमाग से तय कीजिएगा, लेकिन अगर देखें तो आज की दुनिया में हम सब कहीं ना कहीं अपने कर्मों से, शैतान से इंस्पायर होते जा रहे हैं। ऐसे ही कुछ और दिलचस्प जानकारी के लिए जुड़े रहे हमारे साथ, देखते रहिए अनटोल्ड स्टोरीज। आगे हम आपके लिए कुछ और ही डरावने चैप्टर्स लेकर आपके साथ होंगे। धन्यवाद। अब खबरें देखना हुआ और आसान, बस करना है एक छोटा सा काम, सब्सक्राइब करें न्यूज 21 चैनल और बेल आइकन दबाएं।